अगले कॉलर मिस्टर निखिल फ्रॉम जमशेदपुर। नमस्कार निखिल, आपका सवाल पूछिए। निखिल आप हमें सुन पा रहे तो आपका सवाल पूछिए प्लीज। जी निखिल आपका सवाल पूछिए प्लीज। आपकी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और आपका सवाल पूछिए। इनफैक्ट उनका उनका ऑडियो इज नॉट दैट क्लियर, बट आशीष उनका सवाल है लुपिन पर 500 ऑड शेयर्स एट 1300 1300 की लेवल पर उनकी परचेज प्राइस है। 1500 इज अ करंट मार्केट प्राइस। गिवन द लार्जर कंसर्न्स फ्रॉम द 483 ऑन लुपिन, आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक कितना बेटर बैठे? कॉज इट हैज फॉलन फ्रॉम सब 1800 ऑड लेवल्स एंड इट हैज रिकवर्ड अ बिट दो। आपकी क्या राय है लुपिन पर? देखिए फार्मा स्टॉक में मैं पिछले एक दो महीने से काफ़ी बियरिश हूँ। आपके स्टॉक्स में आपके शोज़ में मैं जब भी आया हूँ मैंने हमेशा इसमें सेल की ही कॉल दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं सराउंडिंग फार्मा। आप एक USFDA वार्निंग देखते हैं और शायद 5-10% तक ये स्टॉक करेक्ट हो जाता है। लुपिन पे मैं इनको यही सलाह दूंगा, इज़ अ लकी वन दैट इज़ इन द प्रॉफिट, सो ही शुड टेक द प्रॉफिट्स एंड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। मार्केट अभी भी एक रेंज में ही कामकाज कर रहे हैं। दिन के निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवर जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी निफ्टी 32 पॉइंट्स की वीकनेस के साथ 7581 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। फार्मा स्टॉक्स आज परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ हमने आज के सेशन में खरीदारी देखी, उन स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं श्रेय इंफ्रा की। श्रेय इंफ्रा खबरों में रहा भी है दो सेशन से प्रिसाइसली, और खबर यही है कि जो वायम एटीसी वायम डील है उसको कल सीसीए की मंजूरी मिली है। इंपॉर्टेंट है श्रेय इंफ्रा के लिए इसलिए ये डेवलपमेंट, क्योंकि वायम में श्रेय इंफ्रा की 18.5% हिस्सेदारी है। अब इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर हेमंत कनोरिया हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है श्रेय इंफ्रा के। मिस्टर कनोरिया गुड आफ्टरनून। सर पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि फाइनली अब सीसीए का अप्रूवल मिला है इस डील को, क्योंकि वायम में श्रेय इंफ्रा की 18.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो कोई आइडिया आप दे पाएंगे कि इस डील के बाद जो राशि होगी वो कितनी मिलेगी आपको? देखिए जो भी पैसा 15-20 दिन में आ जाना चाहिए इसी महीने में, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ट्रांजैक्शन क्लोज होकर पैसा आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा समय लग गया क्लियरेंसेज वगैरह में। अब फॉर्चुनेटली लास्ट यस्टरडे क्लियरेंस हो गया है, तो इस महीने में ही पैसा आ जाना चाहिए और फिर हम लोग इसको जो इमीडिएटली, तो हमारे जो डेट वगैरह हैं थोड़े श्रेय में कम हो जाएंगे, इसको यूटिलाइज किया जाएगा नए बिजनेसेस वगैरह में हमारे। लेकिन सर रकम कितनी मिल पाएगी इसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे? मतलब कितना, मतलब 3000 करोड़ के आसपास का बस है मार्केट में? हाँ ये मतलब कि लोन वगैरह सब लेकर, कुछ लोन वगैरह भी दिए हुए थे सब लेकर, मतलब कि 2.5 से 3 हजार करोड़ के करीब का श्रेय में पैसा आएगा। श्योर मिस्टर कनोरिया, जैसे आप लार्जली बता रहे थे कि रफली अराउंड 3000 करोड़ एंड यू विल यूज इट टू रिटायर सम ऑफ योर डेट, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि विद द लार्जर रेगुलेशंस फ्रॉम द आरबीआई एंड गिवन द रेगुलेशंस फ्रॉम आरबीआई, आप कौन कौन से ऐसे असेट्स आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं? इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन मोर ऑन दैट। देखिए बेचने का तो अभी कुछ डाइल्यूशन वगैरह तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, पावर सेक्टर है, रोड्स हैं, सब में हम लोग एक्विजिशन भी कर रहे हैं और डाइल्यूशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही है इंफ्रास्ट्रक्चर में लेंड करना और इन्वेस्ट करना, तो इसी के कारण से ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं या लेंड करते हैं तो ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसमें किस तरह से जो नेटवर्क पर रिटर्न है उसको इंक्रीज किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, और हमारा बिजनेस मॉडल ही ये है लेंडिंग और इन्वेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। बिल्कुल, लेकिन मिस्टर कनोरिया प्रिसाइसली अगर इसी कैलेंडर ईयर की बात करें तो क्या कुछ और एसेट्स को लेकर बिक्री की कोई योजना है, कुछ प्लानिंग्स हैं या फिर कुछ नए एक्विजिशंस आप तलाश रहे हैं, कहीं नई अपॉर्चुनिटीज? हाँ दोनों ही है, एक्विजिशंस में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स और पावर सेक्टर में दोनों में कुछ एक्विजिशंस वगैरह स्ट्रेस एसेट्स में हैं, तो वो हमारी जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं हम लोग SPVs में, तो वहाँ पर वो लोग उस लेवल पर ही एक्विजिशंस देख रहे हैं। श्रेय में तो अभी हम अपना लोन बुक ही ग्रो करेंगे, ये जो पैसा आएगा और जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स के लिए माइनिंग इक्विपमेंट्स में भी डिमांड बढ़ गए हैं, और फिर उसके बाद हम लोग हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स IT इक्विपमेंट्स वगैरह में भी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो वो सब सब में डिमांड भी बढ़ रहा है, तो उसमें हम लोग अभी बिजनेस को इंक्रीज करेंगे इमीडिएटली। जी मिस्टर कनोरिया आखिरी क्वेश्चन होगा, वापस मैं इसी डील से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। 2500 से 3000 करोड़ की राशि आपको मिल सकती है आपने कहा, लेकिन अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंपेयर करें तो क्या ये प्राइसिंग ठीक मिल रही है, और पर टावर
वैल्यूएशन कैसी दिख रही है इस डील के थ्रू होती हुई? देखिए, हमें तो ये प्राइसिंग ठीक है, इसमें प्राइसिंग में कोई हमेशा ज्यादा यदि कोई होल्ड करे तो और बेटर प्राइस मिल जाएगा, तो उसके लिए तो कोई मतलब कि एंड नहीं है कि क्या बेटर प्राइस है, उसकी कोई परिभाषा भी नहीं है। तो अभी हमें लगा है कि अच्छा रिटर्न है, तो इसी के कारण से हम लोग इसको डाइल्यूट किए थे लास्ट से जो डिसीजन लिया गया था। जी बहुत बहुत मिस्टर मिस्टर कनौरिया हमसे बात करने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री इंफ्रा इज ट्रेडिंग 62.65 रुपीज, 2.25 रुपीज हायर इन द ट्रेड। अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं, मिस्टर गोपाल है अहमदाबाद से। नमस्कार गोपाल, आपका सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है एनएनबीसी में खरीदना चाहता हूँ, एनएनबीसी और डीएसटीवी में से कौन सा बेहतर है? सेकंड स्टॉक कौन सा बताया आपने? डीएसटीवी और एनएमडीसी। श्योर, इनफैक्ट आशीष वेरी क्विकली बोथ द स्टॉक्स NMDC एंड डिश टीवी में उनको इन्वेस्ट करना है लार्जली। आपकी क्या राय है दोनों स्टॉक्स पर और क्या रिकमेंडेशंस रहेगी? NMDC में तो मैं अभी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, काफ़ी रन अप हो चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। डिश टीवी में मुझे अभी काफ़ी स्कोप लगता है, जिस तरीके से न्यू एडिशंस हुए हैं, जिस तरीके से कंपनी फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट टर्न आउट हुई है, शायद इंडिया की लार्जेस्ट अभी DTH प्लेयर है, तो मुझे लगता है डिश टीवी में अभी ट्रैक्शन काफ़ी, एक अभी स्कोप काफ़ी, अभी काफ़ी अंडर पेनिट्रेट मार्केट है ये पूरा जो मार्केट है, तो मैं इनको डिश टीवी में ही इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा।